नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम कंकायन वटी के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग बवासीर, सूजन, आंतों के कीड़े आदि के आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न सहपेय के साथ विभिन्न रोग स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। सबसे पहले कंकायन वटी के फायदे के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग पेट की गांठ, ग्रंथि, सूजन, बवासीर, हृदय रोग, आंतों के कीड़े की इलाज के लिए किया जाता है। पित्त के कारण होने वाले आम्ल पित्त, पेट में जलन आदि के इलाज के लिए इसे दूध के साथ दिया जाता है। इसे मध्य या खट्टे पेय के साथ वात के कारण होने वाले पेट के रोगों जैसे सूजन, गैस्ट्रिक समस्या के इलाज के लिए दिया जाता है। कफ की उत्पत्ति के कारण होने वाले पेट की स्थिति का इलाज के लिए इसे त्रिफला या गोमूत्र के साथ दिया जाता है। मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव के इलाज के लिए इसे ऊंटनी के दूध के साथ दिया जाता है। कंकायन वटी कफ और वात दोष को संतुलित करता है। कंकायन वटी की खुराक की बात करें तो इसे 1 से 2 गोली दिन में 1 या 2 बार भोजन से पहले या बाद में या आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देश अनुसार दिया जाता है। इसे छाछ के साथ भी दिया जाता है। कंकायन वटी के दुष्प्रभाव के बारे में बात करें तो पित्त शरीर वाले लोग या उच्च पित्त की स्थिति वाले लोग जैसे शरीर की अधिक गर्मी, जलन आदि, इन लोगों में यह पित्त को बढ़ा सकता है। अधिक मात्रा में लेने से पेट में हल्की जलन हो सकती है। गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान और बच्चों में इस टैबलेट से बचना बेहतर है, या कम से कम इसे चिकित्सीय देखरेख में लेना चाहिए। अब हम इस दवा की सामग्री के बारे में जानेंगे। इसमें है कचूर, पोकर मूल, लाल बरेंडा, चित्रक, अरहर दाल, गीला अदरक, वचा, पितोरी, हिंग, जौ की क्षार, कोकम, पुरसानी अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, धनिया, छोटी सौंफ, अजवाइन बीज, नींबू का रस। इस औषधि का उल्लेख वैशिज्य रत्नावली ग्रंथ के गुल्म रोगाधिकार में मिलता है। इस दवा का निर्माण कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी जैसे बैद्यनाथ, एवियन, डाबर, नागार्जुन आदि द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।